देख रहे हैं ना, पूरे धागों को हम लोग इस तरह नील से कम्प्लीटली यहाँ पे धागे में लगा लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टर्निंग है, तो इस टर्निंग पे हम लोग क्या करना है, कैसे यहाँ पे हम लोग गैंग बॉक्स बैठा दिए हैं। अभी क्या, यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, एक सॉकेट लगा है और हमारे यहाँ पे स्विच लगा है। सभी स्विच को हम लोग क्या करें, नीचे वाले सिरे को नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो का स्वागत। जैसे दोस्तों सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने काम किया था इस साइड में, तो हमको यहीं से ही दोस्तों यहाँ पे हमें एक साइड मिली हुई है जो कि यहाँ पे है, ये देख रहे हैं एक साइड है। और यहाँ पे हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वीट वायरिंग करने वाले हैं। वीट वायरिंग किसे बोलते हैं दोस्तों, केसिंग कैपिंग। चलिए दोस्तों हम आपको पहले क्या करते हैं, दिखा देते हैं कहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले दोस्तों। यहाँ पर ऑलरेडी अंडरग्राउंड वायरिंग हुई थी, तो यहाँ पर हम लोग केसिंग कैपिंग करने वाले हैं। तो आपको देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया बना हुआ था, छोटा सा किचन बना हुआ था और एक छोटा सा रूम बना हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे ग्राहक का कहना है कि हमको यहाँ पे दो बल्ब का पॉइंट देना है और यहाँ पे एक हमें वॉशिंग मशीन चलाने के लिए देना है और यहाँ पे हमको मेन बोर्ड देना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप जैसे कि देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा क्या है, होल्डर है। इस होल्डर को मैं निकाल दूंगा, निकालने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसी होल्डर से हम लोग न्यूट्रल फेस सप्लाई लेके ऐसे सीधे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से मुड़ते होते हुए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर बल्ब का पॉइंट बना देंगे सेंटर पॉइंट पे, और एक बल्ब का पॉइंट हम लोग वहाँ पर बना देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग वॉशिंग मशीन का पॉइंट बनाएंगे और फिर यहीं से हम लोग ऐसे रिटर्न होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हम लोग यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, बोर्ड चलिए यहाँ पे हम लोग आपको दिखाना देना चाहते हैं दोस्तों, हम लोग सामान क्या क्या ले आए हैं। तो जैसा कि आपको बताएं कि दोस्तों यहाँ पे 6 मॉडल गैंग बॉक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, 6 मॉडल गैंग बॉक। तो गैंग बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस पे लगेगा, तो इसको हम लोग 6 मॉडल बोलेंगे। तो ये 6 मॉडल में आपका 4 सॉकेट हो जाए, 4 स्विच हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पे हमारा सॉकेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह सेट कर देंगे ओपन एरिया में। और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे ये हमारा 3-way का गैंग बॉक्स है। ठीक है, 3-way का गैंग बॉक्स या 3 मॉडल ही बोल सकते हैं। यहाँ पे ये 3-way का गैंग बॉक्स है, इस पर हम लोग एक सॉकेट देंगे और एक यहाँ पे स्विच देंगे। कहाँ पे देंगे दोस्तों, वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए, और हम लोग सामान में क्या क्या लाए हैं, सबसे पहले हम लोग काम को कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो तार है, यहाँ पे जो तार है वो कितने एम एम का, वो हम लोग बताना चाहते हैं। यहाँ पे तार हमने यहाँ पे 1.5 mm स्क्वायर का तार दे रहे हैं। एक बंडल हमारा यहाँ पे दोस्तों RR कंपनी का, RR करके केबल का है, तार है, और एक बंडल हमारा यहाँ पे है, एक बंडल तार यहाँ पे है, एक बंडल तार हमारा यहाँ पे है। उसके बाद देखो पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ 0.75 लिए हुए हैं। यहाँ पे जो ग्राहक है उनका कहना है कि उनके पास ऑलरेडी एक जगह साइट पे काम हुआ था तो वहाँ पे सामान बचा हुआ था, तो वैसे पावर के लिए दोस्तों 2.5 mm का तार डालना चाहिए। तो अभी इनके पास 2.5 mm का तार नहीं है, तो हमको 1.5 mm के लिए दे रहे हैं, 1.5 mm के लिए 1.5 mm दे रहे हैं पावर के लिए, और 0.75 दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्रीन तार है, यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा ग्रीन तार है। तो इस ग्रीन तार को हम लोग यहाँ के पॉइंट में कनेक्ट करें। पॉइंट किसे कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बल्ब, जैसे बल्ब को जलाने के लिए हम लोग ग्रीन तार का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे होना क्या चाहिए, होना चाहिए 1 mm का तार ये होना चाहिए। पॉइंट के लिए दोस्तों 1 mm का तार लगाइएगा और ग्रीन मत लगाइएगा, आप लोग ब्लू वगैरह ब्लू लगाइएगा। ठीक है, 1 mm पॉइंट के लिए, जो दोस्तों ग्रीन होता अर्थिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे अर्थिंग वगैरह इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है 1 mm ग्रीन वाला जो तार है पॉइंट में यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सॉकेट लेने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूलर सॉकेट यूज करने वाले हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलर सॉकेट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए और हम लोग सबसे काम को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा बीट हो गया है, यहाँ देख रहे पट्टी है, ये हमारी बीट है, बीट पिन है, इसको हम लोग पंचिंग करने के लिए यूज करते हैं। टेप हो गया है हमारा, यहाँ पे बैटन होल्डर हो गया है, यहाँ बैटन होल्डर हो गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
और आपको बीट हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले बार हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास धागे धागे पड़े हुए हैं, धागे हैं और नील है, ठीक है। धागा और नील इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम चलते हैं पेपर में इसको खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जो आपको बताए थे कि हम लोग यहाँ पे धागे ले लिए हैं, और ये धागे काम क्या हो, सूत बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे नील का पैकेट लाए थे, लगभग 20 रुपए का पैकेट लाए थे, और 10 रुपए का हम लोग यहाँ पे धागा लाए थे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरे धागों को हम लोग इस तरह नील से कम्प्लीटली यहाँ पे धागे में लगा लिए हैं, ठीक है। इन पे हमको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ जो तो ये आपका देख रहे हैं ना, फर्श है यहाँ पर, दीवार छत है, छत से हमको 1.5 फीट यानी 18 इंच के नीचे हमें एक यहाँ पर नाप लेना है और यहाँ पर नाप लेना। चलो नाप, यहाँ पे हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं कि यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से हम लोग यहाँ पे 16 इंच 17 और 18 इंच भी हम लोग इस पट्टी को कट कर लेंगे, ठीक है। इसी पट्टी के साइज से हम लोग क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे। चलिए इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग मेजर कर लेते हैं, ये पट्टी को देख रहे हैं ना, तो इस पट्टी को हम लोग नाप के और यहाँ पे एक टिक लगा लेते हैं। यहाँ यहाँ हमने टिक लगा लिया, एक टिक यहाँ लगा लिया, फिर उसी तरह हम लोग सेम पट्टी को हम लोग वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे हम लोग एक टिक लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग टिक लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरह लगा लिए हैं। लगाने के बाद यहाँ पे जब लग जाएगा तो हम लोग यहाँ से धागा करके यहाँ पे हम लोग पटक देंगे। चलिए तो वो लोग करके दिखाते हैं आपको। पे चलते हैं और यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग पकड़ लेते हैं, एक चिन्ह यहाँ पकड़ लिए टाइट और वहाँ पकड़ लिए, और बीच से हम लोग क्या करेंगे, उठा देंगे। देखिएगा, हम लोग यहाँ से बीच से हल्का उठा के तेज से दबा देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, हमारा निशान यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग बन गया है। तो हमने धागे को यहाँ नीचे निकाल लिए, इसी तरह हमको क्या करना है, एकदम हमारा जो पट्टी लगे एकदम सीधे पे लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे कर देंगे। चलते हम लोग यहाँ पे करते हैं, उसके बाद बीट लगाते हैं। दोस्तों सूत वाला काम हमने यहाँ पे कर लिया है, वहाँ से हम लोग पट्टी को उठाएंगे, बीट को उठाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद से यहाँ से हम लोग उठा के ऐसे ले आएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग देखिए मार्किंग कर लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, बीट को खोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बीट है दोस्तों, यहाँ पे आधी इंची की बीट है, आती तो मार्केट में 1 इंची है, 1.25 इंची है, 2 इंची है, 3 इंची है। तो अभी ये आधी इंची का है, प्राइस की बात करें दोस्तों तो लगभग 35-40 रुपए के मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। तो इसको दोस्तों अब लगाने के लिए दो तरीका है, या तो आप इस पिन से लगा सकते हैं, ये वाला हमारा पिन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बीट पिन, या तो बीट पिन से लगा सकते हैं, या तो यहाँ से गिल्ली से लगा सकते हैं, ठीक है। ये गिल्ली देख रहे हैं ना, यहाँ पे गिल्ली से भी लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो पट्टी है इसके अंदर 2 ही 3 तार होगा, तो हम लोग इस पिन से ही लगा देते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ 2 पार्ट होता है, एक होता है दोस्तों केसिंग, एक होता है केपिंग। तो केसिंग केपिंग भी बोलते हैं, पट्टी वायरिंग भी बोलते हैं। तो अभी केसिंग किसको बोलते हैं, केपिंग। देखिए केसिंग ये होता है, तो यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं ना, ये हमारा केसिंग है, और केसिंग है जिसके अंदर तार जाएगा, और ये हमारा केपिंग है। तो ये हमारा केपिंग है, तो हम लोग लगाएंगे क्या, केसिंग लगाएं या केपिंग लगाएंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लगाना तो केसिंग चाहिए था, तो केसिंग चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पे केपिंग लगाते हैं। देख लीजिए, ये कवर लगाते हैं, कवर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पिन से यहाँ पर ठुकते हुए चले जाएंगे। थोड़ा आसान होता है, इसको क्यों नहीं लगाते हैं? तो इसका रीजन क्या है, जब इसमें लोग पिन लगाते हैं, जब हथौड़ी मारते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, यहाँ पे एक दिक्कत आती है, यहाँ से ये टूट जाता है, इसलिए हम लोग इसको ना लगा के हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से गुल्ली पेच भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग गुल्ली पेच नहीं लगाएंगे, बहुत इलेक्ट्रीशियन भाई लोग गुल्ली पेच भी लगाते हैं, बट गुल्ली हम लोग नहीं। चलिए, इसको हम लोग लगाते हैं एकदम सेंटर पे, ऐसे लगाते हुए यहाँ तक आते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे केपिंग को लगा रहे हैं, तो केपिंग को लगाने के लिए हम लोग कितने डिस्टेंस पे आपको पिन करना है दोस्तों, तो लगभग 2 फीट के आसपास या 1.5 फीट के आसपास से आपको पिनअप करना है। तो हमने यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, एक पिन हमने वहाँ कर लिया है, एक हमारा वहाँ पे हो गया और एक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एक 2 हो गया, एक यहाँ कर देंगे 3 और एक यहाँ 4, ठीक है, 4 पिन करेंगे। इसी तरह चलते हैं, सभी में केसिंग को हम लोग यहाँ पे पूरा लगा लेते हैं, वहाँ तक लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टर्निंग है, तो इस टर्निंग पे हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ देखिए, पट्टी को हमने कट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे कट कर दिया है, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कट कर दिया और टर्न कर दिया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं, अगर जैसे भी टर्निंग पे ऐसा दिक्कत आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग जहाँ से लाइनिंग किए हैं उसी लाइनिंग के ऊपर जस्ट हम लोग लगा दे रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाई लोग पेच लगाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे बीट पिन ही लगा दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग बीट का वायरिंग कर दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एक होल्डर लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग बोर्ड लगाएंगे। तो जमीन से लगभग 3 फीट के डिस्टेंस हमने एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें आर ओ चलो दोस्तों वो चलेगा, मिक्सर चलेगा और हमारा यहाँ वॉशिंग मशीन चलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से पट्टी को ऐसे लाते हुए देख लीजिए कितना अच्छी सफाई से लाए हुए हैं। और यहाँ पे भी एक बोर्ड रहेगा जो सभी चीज़ को ऑपरेट करेगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड भी लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स को ओपन करते हैं। 6 मॉडल लिया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखिए कट कर लिए। कट करने के बाद ये सीधा अंदर चला जाएगा और यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो बीट यूज कर रहे हैं 6 mm का बीट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ड्रिल मशीन की मदद से इसको हम लोग क्या कर देंगे, वाल में टाइट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे गिन्नी लाए हुए हैं, इससे हम लोग टाइट कर देंगे। चलिए टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमने बोर्ड को लगा दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताया था कि 1.5 mm का ब्लू वाला हो गया और हमारा यहाँ पर ब्लैक हो गया। ये दोस्तों पावर के लिए दिया जा रहा है, यानी यहाँ पे जो पावर देंगे उसके लिए दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तार को ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग तार को लगा के पट्टी को लॉक कर देते हैं, पूरा लॉक करके। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये हमारा यहाँ पे देखिए मेन तार है जो कि ये न्यूट्रल फेस है, ये यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए दोस्तों कहाँ पे आएगा, हमारी इस बोर्ड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस बोर्ड में आएगा और उसके बाद दोस्तों हम लोग उसी तार को थोड़ा सा छील ले रहे हैं, जो हमारा ब्लैक तार है उसको मैं छील ले रहा हूँ। छीलने के बाद दोस्तों न्यूट्रल वहां पे दे देंगे, वहां पे दे देंगे, उसके बाद एक हम ग्रीन तार को वहां दे देंगे। ठीक है, यानी न्यूट्रल मिल जाएगा दोस्तों, इसी जो यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है न्यूट्रल मिल जाएगा और जो हमारा ग्रीन तार है, यहाँ ग्रीन तार है, ये तार वहां पे ले जाएंगे। वहां पे ले जाने के बाद दोस्तों इसी तरह से लाते लाते हम लोग यहाँ कहाँ पे लाएंगे, इस बोर्ड तक लाएंगे, यहाँ से ऑपरेट करेंगे। चलिए उस काम को हम लोग कर देते हैं। और दोस्तों तार तो बीच से छीनना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो काम करा रहे हैं हमसे वो बोले कि यहाँ से न्यूट्रल को जोड़ के वहां पे न्यूट्रल दे दो, एक ही न्यूट्रल दोनों जगह काम कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या किए हैं कि जो न्यूट्रल फेस था इसी न्यूट्रल को हमने यहाँ से थोड़ा सा छील लिया है, दिखा दूंगा, छील लिए हैं। छीलने के बाद ये हमारा देखिए ज्वाइंट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और हमारा यहाँ फेस ये वाला ये ग्रीन वाला जो है दोस्तों फेस हो गया और वो हमारा वहाँ बल्ब जल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टोटल हमारे पास अभी 3 तार आ गए हैं। इस 3 तार को हमको कहाँ पे ले आना है, इस बोर्ड तक ले आना है। ठीक है, चलिए हम उसको ले आते हैं। उसके बाद एक पॉइंट हम लोग यहाँ बनाएंगे तो एक ग्रीन तार यहाँ से ले लेंगे। टोटल हमारे पास हो जाएगा 3 तार अभी है दोस्तों, 1 तार और 4 तार हमारे पास हो जाएगा। चारों तार को हम लोग यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं। चलिए उसको हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं, अब यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखिए ये हमारा 4 तार है जो कि एक न्यूट्रल फेस है और 2 हमारा इसका पॉइंट का तार है, 1 और 2। ठीक है, ग्रीन वाला पॉइंट का तार है तो एक पॉइंट वहां पे देंगे दोस्तों और एक यहाँ पे देंगे। ये हमारा 4 तार हो गया है। उसके बाद इसको हम लोग अलग कर दे साइड कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे 2 तार एक ही चीज का है ना, तो यहाँ से जो होल्डर था दोस्तों यहाँ से हम लोग 2 तार को ले लिए हैं, न्यूट्रल और फेस, और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है ओल्ड टाइप का, उसको हम क्या कर देंगे डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल फेस आ जाएगा। वही न्यूट्रल फेस हम लोग यहाँ से और यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, जो गट्ठी दिया है ये हमारा न्यूट्रल फेस है और ये हमारा 2 पॉइंट का तार है न्यूट्रल फेस। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कैसे बोर्ड को लगाना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। और हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है फाइनली। और यहाँ पे होल्डर लगाना बाकी है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग गैंग बॉक्स लाए हैं, तो गैंग बॉक्स को फिट करके हम लोग होल्डर लगाएंगे और यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए गिल्ली लगा दिए हैं। गिल्ली लगाने के बाद दोस्तों क्या किए हैं, जैसे गिल्ली लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग टाइट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग गैंग बॉक्स बैठा दिए हैं। अभी क्या करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा फेस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने होल्डर लगा दिया, यहाँ पर भी कंप्लीट कर दिए होल्डर और यहाँ दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा दिए हैं। एक हमारा पावर का हो जाएगा, ये रेड कलर का स्विच ये पावर का है और ये हमारा नॉर्मल। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर काम फाइनल हो गया है, अभी हम लोग बोर्ड को बंद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट वाले तार हैं, ये देखिए 2 पॉइंट वाले तार हैं, तो दोनों पॉइंट वाले तार को हम लोग क्या करना है दिखाओ। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों एक सॉकेट लगा है और हमारे यहाँ पे स्विच लगा है। सभी स्विच को हम लोग क्या करें, नीचे वाले सिरे को सभी को हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट वाला तार है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट वाला तार है, हमने एक यहाँ जोड़ दिए और एक हमने यहाँ जोड़ दिया। जैसे स्विच ऑन होगा हमारा फेस दोनों में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक हमारा पावर वाला है,
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल फेस, अभी आपको चेक करके दिखाएंगे, टेस्टर जला दो। हमारा यहाँ फेस का हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, फेस न्यूट्रल, और इसका दोनों का फेस न्यूट्रल हम लोग सेम कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। चलते हैं, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों न्यूट्रल को जोड़ देंगे। एक न्यूट्रल हमारा जो मेन सप्लाई आया हुआ है, दूसरा न्यूट्रल हमारा ये है कि जैसे एक इसका भी न्यूट्रल हमारा यहीं पे आया हुआ है। दोनों न्यूट्रल को आपस में जोड़ के सॉकेट के एक सिरे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे फेस तार को देखिए, न्यूट्रल तार को हमने यहाँ पे जोड़ दिया सॉकेट में, न्यूट्रल तार जोड़ दिए। फेस तार को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे किसी भी पॉइंट में, चाहे यहाँ लगा दे या यहाँ लगा, किसी भी हम लोग दोनों आपस में हम लोग लगा देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ का जो वायरिंग होगा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। आपको एक बार फिर समझा देना चाहते हैं कि हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट हो गया और हमारा ये दोनों फेस का पॉइंट हो गया, ये ऊपर का हमारा पॉइंट का हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको बोर्ड को बंद कर देते हैं, फिर वहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड को हमने कम्प्लीट कर दिया, तो बल्ब हम लोग यहाँ लगा दिए हैं, यहाँ से चेक करते हैं जलता या नहीं जलता। देखिए हमने यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑफ किया, बंद हो, यहाँ से हमारा ऑन हो गया, यहाँ हमारा बल्ब जलने लगा, अभी ये हमारा वायरिंग एकदम बिल्कुल कंप्लीट है। अब एक हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले पर भी वही बल्ब निकाल, यहाँ पर भी हम लोग बल्ब को लगा कर टेस्ट कर लिए हैं और यहाँ से हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। दोस्तों ये हमारा किसिंग ट्रिपिंग वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।